ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के दर्शनों की ओर ले चलती हूँ। मध्य प्रदेश का एक शहर उज्जैन अति प्राचीन या यूं कहिए पौराणिक काल से ही अस्तित्व में है और यहाँ पर अभी वर्तमान में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है। महाकाल मंदिर तो सदियों से ही यहाँ पर स्थित है, लेकिन महाकाल लोक का एक निर्माण, एक पूरे कॉरिडोर का निर्माण एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला है हमारे पुराने प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके सामान्य जनमानस तक उनकी पहुँच को पहुँचाना है। समय के भगवान यानी भगवान शिव, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था और यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण की ओर मुख वाला केवल यही एक ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग की बहुत ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि जो अन्य सभी 11 ज्योतिर्लिंग हैं उनका मुख पूर्व की हो रहे, क्योंकि इसी एक महाकाल लोक की जो दिशा है वो दक्षिण है, क्योंकि मृत्यु की दिशा स्वयं दक्षिण है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ के रूप में विश्व को प्रकाशित किया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये मंदिर भारत में 18 महाशक्तिपीठों में से भी एक के रूप में प्रतिष्ठित है। अभी जो वर्तमान कॉरिडोर बना है वो बहुत ही भव्य है, विशाल है, टेक्नोलॉजी से सज्जित है। 47 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में इस पूरे कॉरिडोर को बना गया है। पूरे कॉरिडोर में शिव पुराण, शिव के विवाह से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कथाएं हैं, उन सभी को भित्ति चित्रों के रूप में उकेरा गया है। सप्त ऋषियों की मूर्तियां यहां पर स्थित की गई है और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग किया है। हर मूर्ति या चित्र के साथ आपको स्कैनिंग की सुविधा मिलती है, ये जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो आपको उससे संबंधित सारी सूचनाएं या कहानियां आपको सुनने को मिलेगी। पूरा कॉरिडोर घूमने में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा जितना समय लगेगा। एंट्री निःशुल्क है, लेकिन अगर आप नीचे गर्भगृह तक जल्दी जाना चाहते हैं, जल्दी दर्शन चाहते हैं, तो 250 रुपये का आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर आप समय लेकर जरूर जाइए, क्योंकि पूरा ही महाकाल लोक का दर्शन करने घूमने में आपको 2.5 से 3 घंटे सामान्य दिनों में लग सकते हैं, लेकिन जब भी कोई विशेष अवसर या त्यौहार है उस समय ये समय 5 से 6 घंटे भी हो सकता है। पूरा ही कॉरिडोर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाया है। अगर आप इसे रात्रि में देखते हैं तो भव्य लाइटिंग, फव्वारे, ये आपका मन मोह लेंगे। तो भगवान शिव की इस नगरी में आपका स्वागत है।